Good morning. I'm Dr. Neeti Kapoor Kaushal. I'm consultant neurologist at Manipal Hospital, Patiala. Today, that is 21st September, whole world celebrates World Alzheimer's Day to create awareness about the disease, its symptoms and its risk factors. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिमेंशिया क्या है. डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब है डिक्लाइन इन द कॉग्निटिव फंक्शंस. तो इसके अंदर आता है आपकी मेमोरी यानी याददाश्त, थिंकिंग एंड जजमेंट यानी सोचने समझने की शक्ति, लैंग्वेज, बिहेवियर और विजुअल परसेप्शन, दैट इज़ बियॉन्ड द टिपिकल एज रिलेटेड चेंजेस इन द विजन. डिमेंशिया के कई प्रकार हैं, जैसे लुई बॉडी डिमेंशिया है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, मिक्स्ड डिमेंशियाज हैं, वैस्कुलर डिमेंशियाज है. मिक्स्ड डिमेंशिया के अंदर एक ही पेशेंट के अंदर दो तरह की डिमेंशिया की टाइप्स जैसे वैस्कुलर और अल्जाइमर्स एक साथ मिल सकती हैं. तो एल्डरली में सबसे कॉमन जो डिमेंशिया है दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़. तो आइए डिस्कस करते हैं अल्जाइमर्स के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में. इसके लक्षणों में सबसे पहले पेशेंट्स को माइल्ड मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होने लगती हैं, जैसे सुबह क्या खाया वो भूल जाएंगे, किसी से क्या बात हुई वो भूल जाएंगे, जगहों के नाम भूल जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स के नाम भूल जाएंगे. फिर धीरे धीरे उनकी जो प्लानिंग है, जजमेंट है, रीजनिंग है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनको रोज़मर्रा के कार्य करने में दिक्कत आती है, जैसे कुकिंग करने में दिक्कत होना, ड्राइविंग में दिक्कत होना और बिल पे करने में प्रॉब्लम आना, मनी हैंडलिंग में प्रॉब्लम आना. फिर धीरे धीरे उनको जो विजुअल स्पेशल डिस्टर्बेंसेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज होने लगते हैं, नोन और फेमिलियर प्लेसेस के अंदर खो जाते हैं और चीज़ें गलत जगह पर रखने लगते हैं, धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स को भी पहचानना खत्म बंद कर देते हैं. फिर उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, बोलने में दिक्कत, लैंग्वेज और स्पीच प्रॉब्लम्स. उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होने लगती है, कई लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कई सस्पिशियस हो जाते हैं, कई एंग्शियस हो जाते हैं और कई लोगों का जो मूड है वो लो होने लगता है. तो धीरे धीरे पेशेंट्स जो है डिटीरियट होने लगते हैं और ग्रेजुअली उनको जो चलने फिरने की भी समस्याएं होने लगती हैं और लेटर ऑन कई पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स यानी ऐसा सुनाए या दिखाई देना जो एक्चुअल में नहीं है, ये सब भी होने लगता है. तो अब जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं. कारणों में अभी ठीक से अच्छी तरह से नहीं मालूम हो पाया है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, बट हाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके होने की वजह से जो अल्जाइमर डिमेंशिया है उसके होने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है. तो सबसे पहले है एज. अगर आप 65 साल से ज़्यादा की उम्र में हैं तो आपको ये रिस्क बढ़ जाएगा. अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा. या फिर अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी आपको कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आप स्मोक हैं, या आपको पहले स्ट्रोक्स हो चुके हैं या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स हो चुके हैं, या फिर आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ये सब, या ओबीज हैं या स्मोकर हैं, तो इसके अंदर जो आपका अल्जाइमर डिजीज़ होने का रिस्क है वो बढ़ जाएगा. तो रिसर्च में देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर कुछ प्रोटीन है वो एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जिसका नाम है एमलॉयड एंड टॉ प्रोटीन. एमलॉयड जो है वो प्लाक्स की फॉर्म में ब्रेन सेल्स के बाहर डिपॉजिट हो जाता है और जो टॉ प्रोटीन है वो ब्रेन से टैंगल्स की फॉर्म में ब्रेन सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है. तो सबसे पहले जो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ब्रेन का वो टेम्पोरल लोब यानी हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है. जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती जाती है तो ब्रेन के और भी हिस्से इन्वॉल्व होते जाते हैं. तो अब इसका जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. डायग्नोसिस इसका इतना सिंपल नहीं है, ना ही कोई रिलायबल टेस्ट है जिससे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं. सीटी एमआरआई की हेल्प से हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि डिमेंशिया का क्या कारण है. और जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि आपके कौन से ब्रेन फंक्शंस हैं जो वो इम्पेयर्ड हैं. अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है. कुछ ऐसी मेडिसिंस अवेलेबल हैं जो मेमोरी डिस्टर्बेंसेस को कम कर सकती हैं और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी कम कर सकती हैं. अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी जिससे करने से आप अल्जाइमर डिजीज़ के रिस्क को डिले कर सकते हैं और कुछ हद तक कम कर सकते हैं. तो सबसे पहले है यू शुड स्टे फिज़िकली एक्टिव. रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है. आप नॉर्मल घर में एक्सरसाइज करें, योगा करें और वॉक करें. दूसरा है यू शुड स्टे कनेक्टेड. आज के टाइम में जो सोशल आइसोलेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू सिगरेट स्मोकिंग. तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिले जुलें, बातचीत करें,
और सोशली कनेक्टेड रहें। तीसरा है यू शुड लर्न न्यू थिंग्स, लाइक आप स्मार्टफोन चलाना सीखें, आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखें, आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप नए इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, कोई न्यू हॉबी डेवलप कर लें, या फिर आप गेम्स खेलें जो ब्रेन गेम्स हैं जैसे जिग्सॉ पज़ल्स हैं, चेस है, इस तरह की गेम्स खेलें। चौथा है यू शुड गेट एनफ स्लीप, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। पाँचवा है आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, जो डाइट है बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लें। नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल, फिश ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर आप अलसी के बीज ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, विटामिन B12 रिच फूड ले सकते हैं, या मैग्नीशियम और जिंक रिच फूड ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट है, अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो रेगुलर आप अपने जनरल फिजिशियन के टच में रहें, बिकॉज़ वो आपको एग्जामिन करेंगे और टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके कोई एडिशनल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर इन चीज़ों के आप के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप अपना रिस्क जो है डिमेंशिया का वो भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप सेफ्टी रखें, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट पहन के रखें, या फिर अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के रखें, क्योंकि अगर आप ब्रेन इंजरी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी को से बचे रहेंगे तो ये भी आपका जो अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क है वो कम करेगी। तो केयर गिवर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जानें, और ये आपके अपने ही हैं जो अपने आप को खो बैठे हैं, तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और इनकी केयर करें। थैंक यू।